तो गाइस एक न्यू वेबसाइट लॉन्च हुआ है जिसका नाम है onlinebakra.in। काफ़ी अच्छा वेबसाइट है ये और इजीली आप ऑनलाइन बकरा ख़रीद भी सकते हो और बेच भी सकते हो। करना ये है कि आपको अपना मनपसंद बकरा सिलेक्ट करना है, जैसे कि मैंने कोटा ब्रीड सेलेक्ट किया हूँ और यहाँ पर जो है पूरी प्रोफाइल आ चुकी है कोटा ब्रीड की और इसमें जो है कॉन्टैक्ट नंबर भी आपको स्क्रीन पर भी मिल जाएगा, डिटेल वगैरह भी आपको मिल जाएगी। आप तो ईज़िली बात भी कर सकते हो इनसे। अगर आपको अपना पर्सनल बकरा बेचना हो तो आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर रजिस्टर करके आप अपना बकरा भी बेच सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा और आप यूज़र पे जाके सर्च भी कर सकते हो। तो गाइज़ ज़रूर ट्राई कीजिए ऐप को, काफ़ी अच्छा वेबसाइट है ये। अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। तो गाइज़ आज मैं आया हूँ देवनार में और आज बाज़ार का जो है वो ऑफ डे है और आप लोग देख सकते हो कि पूरा देवनार खाली है आज। और थोड़े बहुत बकरे जो है जो साल के 12 महीने बकरे रखते हैं उनका ही वीडियो बनाने आया हूँ आज मैं। तो काफ़ी अच्छे बकरे भी हैं, कुछ बचे हुए हैं देवनार के जो बाज़ार में जो बच जाते हैं। तो आप देख सकते हो ये पूरा देवनार ही खाली है, खाली बाज़ार वाले दिन ही भरे भरे लोग भी देखने के लिए मिलते हैं काफ़ी और क्राउड भी कुछ ज़्यादा रहता है। तो ये पूरे बकरे हैं और इधर जो है ब्रिड पूरी मिक्स है, सोजत में है और मालवा में है और कोटा में और सिरोही में भी बकरे हैं काफ़ी तर और सब ये मिक्स ब्रिड है और काफ़ी अच्छे क्वालिटी वगैरह में है बकरे और सब दाती दाती में है, सब चार दांत छः दांत और आठ दांत में है कुछ बकरे। तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वगैरह में भी है बकरे इसके अंदर। तो आप देख सकते हो सोजत का माली काफ़ी है और ये कोटे का बकरा है जो कि अभी चार दांत कुछ लगाया है, काफ़ी एग्रेसिव में है माशाल्लाह से। क्वालिटी वगैरह भी आप देख सकते हो काफ़ी अच्छी है बकरों की। तो गाइस ये इन सब बकरों की प्राइस जो है मैं वीडियो के अंदर नहीं बताना चाहूँगा, आप मुझे पर्सनली कॉल करो या व्हाट्सअप भी करेंगे तो चलेगा, तो मैं आपको इनका प्राइस वगैरह भी बता दूंगा। ये कोटा है फुल वाइट में और देख सकते हो क्वालिटी वगैरह भी काफ़ी अच्छी है बकरे बच्चे की और अभी चार दांत पे है और कुछ 60 kg प्लस है और तकरीबन हाइट इसकी कुछ 36 की या 37 की हाइट होगी। और ये कारोली कोटा है, ये भी काफ़ी अच्छा है, ये अभी आठ दांत पे है और आप लोग सींग वगैरह भी देख सकते हो काफ़ी अच्छी है इसकी सींग। और ये सब सोजत का लॉट है, इधर टोटली सोजत बकरे हैं और इन सब बकरों का जो वेट होगा अप्रोक्स कुछ 60 kg के ऊपर ही होगा वेट और कुछ 50 kg भी निकल जाएंगे बकरे, कुछ दो चार बकरे जो है वो 50 kg तक के निकलेंगे। ये भी एक काफ़ी अच्छा है और ये कोटे साइड का भी बकरा है, ब्लैक कलर में है और अभी कुछ चार दांत लगाया है, ये भी काफ़ी अच्छे वेट वगैरह में भी है, ये कुछ 60 kg प्लस है, काफ़ी अच्छा है बच्चा ये भी। और ये एक सिरोही का मुंडा है जो कि अभी छः दांत को जस्ट लगाया है और इसकी आप बैठक वगैरह भी और झालर वगैरह भी देख सकते हो आप, काफ़ी अच्छा है, लेंथ वगैरह भी काफ़ी अच्छे हैं बच्चे की। तो गाइज़ जिस किसी भाई को भी इंटरेस्ट हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो मुझे आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो गाइज़ ये जो बकरा है देख रहे हो आप, ये पहले वाले वीडियो में भी इसको कवर किया था मैंने, तो ये बकरा अभी भी है ही है कारोली कोटे में। तो जिस किसी भाई को भी इंटरेस्ट हो तो स्क्रीन पे आपको मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मिल जाएगा, तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। काफ़ी अच्छा है ये भी बकरा। तो गाइज ये जो लॉट देख रहे हो इसमें टोटली खस्सी बकरे हैं और इसमें जो है सब चार दांत पे है और कोई दो दांत पे है, सिरोही की खस्सी है और अजमेर की भी खस्सी है इसके अंदर और अप्रोक्स वेट ये बकरों का कुछ 50 kg के ऊपर ही होगा। तो गाइज चलते हैं बाहर अपन और देखते हैं देवनार में कौन कौन से बकरे बचे हुए हैं। तो गाइज ये जो देख रहे हो आप ये सोजत का लॉट है, इसमें दो तीन बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छे है और इसमें सिरोही के बच्चे भी मिक्स है कट्टू वगैरह में, ये सब सिलक के बच्चे हैं जो कि मंगल की बाज़ार में आए हुए थे बच्चे ये और अभी बच चुके हैं और इनका जो व्यापारी है वो अभी मिलेगा भी नहीं अपने को, बाज़ार वाले दिन ही मिलेगा। और ये बच्चा भी काफ़ी अच्छा बच गया है जो कि कट्टू के माल में आया हुआ था सोजत का और आप देख सकते हो काफ़ी अच्छे क्वालिटी वगैरह में भी है बच्चा ये। तो गाइज़ ये सब जो बच्चे बचे हुए हैं तो इनका जो व्यापारी है वो खाली बाज़ार वाले दिन ही गांव से आते हैं और एक दिन ही रह के वो रहते एक दिन ही और एक ही दिन के अंदर वापस चले जाते हैं गांव, फिर दूसरे हफ्ते फिर आते हैं वो
तो आप देख सकते हो ये सिरोही का काफ़ी अच्छा लॉट बच चुका है इसके अंदर, तो चार पांच बच्चे जो है वो काफ़ी अच्छी क्वालिटी वगैरह में भी, ये एक सिरोही का बच्चा भी काफ़ी अच्छा है और ये सब जो है इसमें फीमेल वगैरह भी है और मेल वगैरह भी है, सब अदंत बच्चे हैं। ये आप ये दो मुंडे भी देख सकते हो काफ़ी अच्छे हैं और ये सब बकरे जो है वो गवालों के हाथों में रहते, तो ये गवाली लोग का काम है देखना उकना। और गाइस मंडी जो है वो हफ्ते के अंदर दो ही दिन चालू है, शनिचर और मंगल, और टाइमिंग जो है वो चेंज हुई है, सुबह 7 से लेके 11 बजे तक के बाज़ार ही चालू रहता है, फिर उसके बाद बाज़ार ख़त्म हो जाती है। तो गाइस जिस किसी भाई को भी आना हो तो सुबह 7 से लेके 11 के बीच में ही आना, तभी आपको बकरे अच्छे देखने के लिए मिलेंगे और अच्छे बकरे आप परचेज़ भी कर सकती हो जल्दी से, क्योंकि अच्छे बकरे जो है वो सुबह ही जल्दी बिक जाते हैं अच्छे अच्छे बकरे। तो गाइस इसी के साथ मैं वीडियो यहीं ख़त्म करना चाहता हूँ। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलिए, और बाजू में बेल आइकन है तो बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि मेरा चैनल का अपडेट आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए।